लोकतंत्र की आवाज साथ आपके मैं हूँ ममता सिंह। करेंगे रुख और भी खबरों का, उससे पहले नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश में नगर परिषद बोड़ा के नेतृत्व में बुधवार सुबह 9 बजे अंबेडकर चौक से शुरुआत की। नगर परिषद बोड़ा कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने स्वच्छता अभियान के अंतर्गत बोड़ा कस्बे में झाड़ू लगाकर सफाई की। राजगढ़ में डेंगू की रोकथाम के लिए कलेक्टर श्री हर्ष दीक्षित ने आवश्यक व्यवस्थाओं और कार्यवाही के संबंध में सीएमओ सहित अन्य अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। वर्तमान में डेंगू और विभिन्न वायरल बीमारियों फैलने की संभावना है। बीमारियों की रोकथाम और इनसे बचाव के लिए जिले में नगरीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता अभियान चलाए जाने के निर्देश किए गए हैं। इसी के अंतर्गत बोड़ा नगरीय निकायों के वार्ड और ग्राम पंचायतों में एंटी लार्वा और एंटी मच्छर दवाइयों का छिड़काव करने और फॉगिंग कराने के निर्देश दिए थे। उसी का पालन करते हुए दवाई का छिड़काव किया गया। बोड़ा नगर परिषद द्वारा इस अवसर पर जनप्रतिनिधि में वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद जायसवाल, कैलाश गुप्ता, पूर्व नपा अध्यक्ष कमल सिंह, ब्रह्मानंद पाटीदार, ओम प्रकाश राठौर आदि जनप्रतिनिधियों सहित नगर परिषद बोड़ा अमला के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सलीम खान, ओम प्रकाश शर्मा, दरोगा प्रताप सिंह राजपूत, मंगीलाल यादव, नंदकिशोर जाटव आदि नगर परिषद बोड़ा अमला मौजूद रहे। लाइव टीवी समाचार के लिए बोड़ा से राधेश्याम चौरसिया की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, थोड़ी देर में फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।